सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिमकांडी गेमर। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आप कैसे ठीक हो गए? सो गाइस आज मैं करने वाला हूँ एक और बार एक अपने सब्सक्राइबर के साथ कस्टम मैच। और गाइस आज मैंने चैलेंज किया है हिट स्टार ने। सो गाइस ये बंदा भी बहुत ओपी खेलता है गाइस, बहुत अच्छे वन टाइप हेडशॉट लगाता है। सो गाइस ये वीडियो भी बहुत ओपी होने वाली है। सो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलो यार बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा कस्टम मैच वो भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। पहले राउंड में अपन लोग MP5 ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यार MP5 मैंने ले लिया, लेकिन अब यार मैं ग्लू बॉल नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो चुकी है हमारे लिए यार। मैं ग्लू बॉल लेना ही भूल गया यार, मेरे को लगा था पॉइंट बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो यार। मैंने MP5 लिया लेकिन ग्लू बॉल्स के लिए पैसे तो बचे ही नहीं, ठीक है। सो गाइस आज जो हमारा अपोनेंट है हिट स्टार, सो गाइस बहुत ओपी खेलता है गाइस, बहुत अच्छे वन टैप हेडशॉट मारता है, ठीक है, बहुत अच्छे। सो अभी अपन को जो है बच के खेलना पड़ेगा। अपन लोग फिर कैंपिंग करेंगे क्योंकि यार मैं हर वीडियो में कैंपिंग करके जीतता हूँ, क्योंकि यार हमारे सब्सक्राइबर इतने बढ़िया होते हैं। सो यहाँ पे देखो ये बंदा यहाँ पे मेरे को दिख चुका है, यहाँ पे मैंने बहुत गुना डैमेज दे दिया। अरे यार बहुत डैमेज देता है, बस थोड़ा सा डैमेज और देना है। और ये क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। सो गाइस मुझे लग रहा है कि जैसे ये बच्चा हंस रहा था वैसे ही आप लोग और वो हंस रहा होगा। सो गाइस अभी इस बंदे ने मेरी बहुत गंदी वाली बेइज्जती मार दी है गाइस, बहुत गंदी वाली बेइज्जती। पहले ही राउंड में ऐसा हेडशॉट लगा दिया, बहुत गंदी वाली बेइज्जती गाइस, बहुत गंदी वाली। ऐसा बेइज्जती नहीं मारनी चाहिए थी इसे, बहुत भारी पड़ने वाला है इस पर। अब जो है गाइस हमारा जो है खून खौलने लगा है, मेरे खून में आग लग चुकी है, मुझे बदला ले रहा है गाइस, बदला ले रहा है गाइस, मुझे बदला। और यहाँ पे गाइस हम भी दिखाने वाले हैं कि गाइस हम कितने बड़े प्रो हैं गाइस, हम भी राइस्टर जैसे हेडशॉट लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं छत के ऊपर आ चुका और ये बंदा देखो मेरे को फिर से हेडशॉट लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला गाइस, हम फिर से जाल में नहीं फंसेंगे। और यहाँ पे सिम टूट गया, देखा गाइस मैंने क्या बोला था गाइस, हमारा बदला सक्सेसफुल रहा। यस गाइस यस, जैसे कि मैंने बोला था। अब गाइस इस यस बच्चों के मुंह पे हमने टमाटा मारा है, जैसे बच्चे हंस रहे थे ना देखकर, वैसे उनको गाइस हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड भी जो है स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस यार इसी बात पे अगर आपको यार मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यार एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सो यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। मैंने वुड पैकर और M187 उठा लिया, तो गाइस अपन लोग यार थर्ड राउंड में भी वुड पैकर से ही कोशिश करेंगे कि हिट स्टार को जो है वुड पैकर से ही मारे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे यही कि इसे मारे। और यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को एड्रेटिकल से जो है वो 90 का डैमेज दे दिया, ठीक है, 90 का डैमेज दे दिया। तो सबसे पहले अपन लोग जो वो हील करते हैं और यहाँ पे अपन लोग इन कर लिया। और ये बंदा भाग रहा है, भागने नहीं देना, यहाँ पे फोड़ता है, यहाँ पे 52 का 50 और यहाँ पे अपन लोगों ने फिर से इस बंदे को वुड पैकर से ही मारा। सो गाइस इसी से साबित होता है कि अपन लोग कितने प्रो हैं गाइस, ठीक है। एक बार गाइस मैंने वैसे आपको सबसे बता दूं कि वो जो पहला राउंड था वो गाइस मैंने जीतने दिया था। उसने बोला था कि गाइस मेरे को पहला राउंड जीतने देना, बाकी तुम जीत जाओ, मुझे से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गाइस इसी ने मैंने पहला राउंड जब वो जीतने दिया और मैं जानबूझ के बैठा कि उसका हेडशॉट लग जाए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, उसको हेडशॉट लगाना होता है, मैं जानबूझ के बैठ गया तो उसका हेडशॉट लगाना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा चौथा राउंड जब वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने कोई भी गन वन नहीं बदली, बस डेजर्ट ईगल जो है वो ले लिया है, USP की जगह डेजर्ट ईगल ले लिया। और एक स्मोक ग्रेनेड वो भी मैंने जो ले लिया, ठीक है। तो अपन लोग फिर से इस राउंड में कोशिश करेंगे, फिर से अपन लोग जो है इस बंदे को फिर से वुड पैकर से मारे, वरना तो गाइस हमारे पास M187 है ही, अपनी फेवरेट क्लैश स्क्वाड गन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैं पीछे से रश करने की कोशिश करूँगा, मतलब पीछे धप्पा करने की करूँगा। अगर ये बंदा आइस पाइस हो गया तो गाइस हमारे लिए ही बहुत अच्छी बात होगी, 3x, ठीक है। हो सकता है अपन लोग 7x रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को देख लिया है, बंदा आखिरकार है का। सो यहाँ पे देखो ये नट क्रैकर यहीं पे है। सो अभी थोड़ा सा इंतजार करने का, इस गोली वोली अपन को जो नहीं चलानी। सो आई थिंक इस बंदे ने भी हमें देख लिया है कि अब हम कहाँ हैं, ठीक है, आई थिंक ऐसा ही हुआ है। सो यहाँ पे देखो गाइस ऐसा ही हुआ, यहाँ पे मैंने 52 का डैमेज दिया और यहाँ पे इस बंदे ने भी जो है वुड पैकर उठा लिया। सो देखा देखी, सो यहाँ पे देखा देखी चल रही है, लेकिन यार जो पहले चलाता है वही जीता। सो यहाँ पे अरे यार ये घर से गाइस मैं गिर गया और यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल गाइस बहुत सही टाइम पे गाइस जो मैंने ग्लू वॉल यहाँ पे मैंने लगा लिया। सो यहाँ पे बंदा भाग रहा है। सो अभी अपन लोग M187 का कमाल दिखाएंगे। यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पर यार हुआ, अच्छा हुआ गाइस अपन लोग पिलर के पीछे थे, वरना ये बंदा अपने को खत्म भी कर सकता था। सो यहाँ पे देखो ये बंदा आया, यहाँ पे इसके वुड पैकर है। सो गाइस अपने पास अपॉर्चुनिटी है, अपने पास गाइस एक अपॉर्चुनिटी है, अपन लोग जी सकते। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा हेडशॉट की कोशिश, नहीं लगा, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे ये बंदा भी नहीं निकल सकता, मैं भी नहीं निकल सकता। सो मैंने ग्लू वॉल लगा लिया। सो यहाँ पे बंदा आ गया। तो यहाँ पे इसके पास वोट पैक करना है, इसी वजह से आप लोग नहीं हारे। लेकिन यार बहुत ओपी यार भाई, बहुत गंदी तरीके से मारा है मैंने इस बंदे को। अच्छा होगा हमारे पास एम्बोलेटेड 7 था, वरना हो सकता है ये भी जीता जाता है, फिर मैं भी जीत सकता था। ठीक है, कुछ भी हो सकता था। सो यहाँ पे हम यार लगातार 3 बार जीत चुका है, लगातार बस 1 बार हारने के बाद लगातार अपन लोग जो है वो 3 बार जीत चुका है। हमारा चौथा राउंड जो है वो भी स्टार्ट नहीं, 5वां राउंड हो गया, ऐसे 5वां राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। गाइस मैंने इस राउंड में भी गाइस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, क्योंकि यार इन गनों से मैं जीत रहा हूँ, तो गाइस दूसरी गन क्यों ले अपन लोग, है ना। तो दूसरी गन क्यों ले अगर अपन लोग इन्हीं गन से जीत रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां राउंड जब वो भी स्टार्ट हो चुका है। मैं गाइस यहाँ पे वुड पैकर हाथ में लेकर थोड़ा स्नाइपर चलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 52 का डैमेज दे दिया, हेडशॉट की कोशिश नहीं लगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसने अपने ग्लू वॉल से कवर कर लिया है और गाइस बस हेडशॉट लग गया किसी वजह से। 52 का डैमेज गाइस 104 का डैमेज पड़ चुका है इस बंदे को। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से अपने कवर किया, इसने मेरे को गाइस 30 का डैमेज दे चुका है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और डैमेज दिया इस बंदे ने। आई थिंक इसका वुड पैकर, ये गाइस फिर से वुड पैकर से लेके आया, देखा देखी के चक्कर में ये बंदा जो है वो फिर से वुड पैकर ही लाया है। तो यार अपन को थोड़ा पे भटकाने की कोशिश कर रहा है गाइस अपन लोग जो है। यहाँ पे ग्लूवा लगा के यहाँ पे बंदा दिख चुका है मैं, और मर जा गया। सो यार बहुत ओपी यार, बहुत ओपी, लगातार 4 बार गाइस। मेरे को लगा नहीं था गाइस लगातार मैं 4 बार जीत पाऊंगा, कसम से मेरे को नहीं लगा था, क्योंकि यार मैं जितना इस बंदे को जानता हूं गाइस बहुत ओपी खेलता है। ठीक है, बहुत अच्छे 1 टैप हेडशॉट मारता है। सो मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि यार ये मैं जीत सकता हूँ लगातार 4। मेरे को तो लगा था गाइस ऐसा होगा कि 4 बार वो जीतेगा, 4 बार मैं, 5 बार वो जीतेगा, 5 बार मैं, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, मैं लगातार 4 बार जीत गया गाइस। बहुत ओपी यार, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कसम से गाइस। सो यार मैं थोड़ा मजे ले रहा हूँ गाइस, ऐसी गोली चला रहा हूँ मजे के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो है छठा राउंड जब हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है स्नाइपर है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, अरे नहीं चढ़ पाया, कोई बात नहीं, फिर से चढ़ेंगे। और ये चढ़ जा रहे यार, क्या हो रहा है गाइस, अरे हो क्या रहा है गाइस, 1 सेकंड थोड़ा चढ़ने की कोशिश, और चढ़ जा, अरे यार हो क्या रहा है गाइस, अबे अरे यार गाइस यहाँ पे ओ गाइस यार शिट यार, ये क्या हो गया गाइस। मैं गलती ट्रिक कर रहा था और इस बंदे ने मेरे को आके धप्पा कर दिया गाइस, पीछे धप्पा किया, मतलब पीठ के पीछे वार नहीं किया, सामने से वार किया, लेकिन छुप के वार किया। ये क्या, मैं तो सामने वार कर रहा था। शिट गाइस शिट, ये क्या हो गया गाइस यार, शिट यार गलत बात गाइस, बहुत गलत बात। तो गाइस इस बंदे ने बहुत गलत बात कर दी, लेकिन कोई बात नहीं यार, हमारे पास जो है इस राउंड हार के यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं ही। ठीक है, मेरे पास जितना मैंने खोया था वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास है ही। ठीक है, मेरे पास मतलब उतने पॉइंट है कि मैं सारी की सारी चीज़ें ले लूँ। यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें ले ली है। सो यहाँ पे हमारा जो छठा राउंड है, छठा नहीं है 7वां राउंड है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं सीधा रश करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो मेरे को बंदा दिख चुका है यहाँ पे, अरे ओ शिट गाइस यार शिट, इसके पास M10 14 थी जिसमें स्किन लगी हुई है यार। अबे यार शिट गाइस यार, गाइस मैंने आपको देखा था यार, उसका सिर्फ और सिर्फ 20% HP रह गई यार। शिट गाइस शिट। सो यार यहाँ पे मैंने भी थोड़ी देखा देखी अब आजमा लिया, क्योंकि यार मेरे पास भी क्या कहते हैं शॉटगन की स्किन है ही। सो अभी मैं लंबी M10 14 जो है मैंने उठा लिया। ठीक है, मेरे पास भी यार इसकी स्किन है, तो सेम टू सेम स्किन है। ठीक है, रेंज मतलब सॉरी डैमेज जो है वो डैमेज जो है वो ज़्यादा है इस वाली स्किन का, जो है ये वाली स्किन मेरे पास भी। इसी वजह से बंदा जीत गया यार। काश मेरा मतलब काश मैंने यार इस वाले राउंड में ले ली होती, बट तो यार ये बंदा जीतता नहीं यार। ये बंदा सो गाइस यहाँ पे देखो ये बंदा मेरे को दिख चुका है, ये बंदा यहीं पे, तो चलो इसे फिर से वुड पैकर से मारते हैं। और ये लग जा, और ये ओ मैं भाई साहब फिर से हेडशॉट लगा दिया। ओ भाई साहब यार मैंने क्यों कहा यार, शिट गाइस मेरी काली जुबान तो नहीं है गाइस। यार मैंने बोला मतलब 4 बार जीता, तो मैंने बोला यार मेरे विश्वास जो मैं 4 बार जीत गया लगातार, और उसके बाद भाई साहब मैं 3 बार हार रहा हूँ लगातार गाइस। लगता है मेरी जुबान काली हो चुकी है। सो गाइस अभी जाके कोलगेट करना पड़ेगा मेरे को जुबान पर, जहाँ सफ़ेद हो जाए। ठीक है, सो अभी जाके जल्दी से अब गेम प्ले खत्म होने के बाद यार जुबान पर कोलगेट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है यार, जिससे पहले कि कुछ ज़्यादा ही घातक चीज़ें होने लग जाए मेरे साथ। तो यहाँ पे हमारा 9वां राउंड गाइस फिर से 9वां राउंड जो स्टार्ट हो चुका है गाइस। मैंने क्यों बोला, मैं भाई बहुत दुखी हो रहा हूँ कि मैंने क्यों बोला आपने आपको कि मैं लगातार 4 बार जीत गया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। और ये मैं मतलब ये बोला नहीं कि, और ये बंदा जो है वो लगातार गाइस 3 बार जीत गया, लगातार 3 बार जीत गया। सो गाइस मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बंदा जो है इस राउंड में मेरे को हेडशॉट मारेगा। तो अभी अपन को यार हेडशॉट से बचना पड़ेगा। ये बंदा बहुत गंदा वाला हेडशॉट मार रहा है गाइस, डेसर्ट ईगल से बहुत गंदा वाला हेडशॉट मार रहा है गाइस, बहुत गंदा वाला। मेरे को यार गुस्सा आ चुका है, दो बार मेरे को हेडशॉट से मारा यार। मैंने इसको एक हैवी हेडशॉट नहीं मारा। सो इस राउंड में तो अपन लोगों का हेडशॉट किसी भी कतर से वुडपैकर से मारना पड़ेगा यार। मैंने एक भी नहीं मारा, उसने मेरे को दो कैसे मार दिए। सो यहाँ पे यार वो मेरे स्टार्टिंग फोर्ट पे चला चुका है और मैं उसके यहाँ पे मैंने 100 का 104 का डैमेज दे चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यार मैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ और वो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यार उसने अपन को ग्लू वॉल से कवर कर लिया है और वो थोड़ा इस सीढ़ी के पीछे यहाँ पे देखो इसी जगह पे है, इसी जगह पे है, ठीक है। जो यहाँ पे देखो इसी जगह पे है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, अच्छा यही पे है जी। ये हेडशॉट की तैयारी कर रहा होगा। यहाँ पे देखो मैंने जैसे बोला था हेडशॉट की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे मेरे को फिर से 90 का डैमेज दे दिया। सो यहाँ पे फिर से हेडशॉट की तैयारी, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, हम हेडशॉट देंगे और ये लग जाएगा। और ये बहुत ओपी 305 का हेड लगेगा, बहुत ओपी। और क्या ही हेडशॉट मारा गया मेरे वैज, क्या ही हेडशॉट मारा यार, बहुत ओपी से। यहाँ पे हमारी काली जुबान सफ़ेद होने लग गई है हल्की हल्की, क्योंकि अपन लोग 5 बार जीत चुके हैं। हमारे को बस 2 बार और जीतना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। और फिर अपन लोग यार प्रूफ हो जाएगा कि यार कोई भी आए हमारे सामने, कोई भी, चाहे अज्जू आया है, राष्ट्र आए या फिर अमित भाई आए, कोई भी आए, हम लोग यार मज़े में हरा देंगे उनको, ठीक है। मज़े में हरा देंगे, ठीक है। 6 बार हूँ, 6 बार वो जीतेंगे, 6 बार हम जीतेंगे, फिर मैं एक बार जीत के मजे में हरा दूंगा, ऐसे ही मजे में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो है 11वां राउंड वो भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। 11वां राउंड जो है, नहीं सॉरी 12वां राउंड भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। नहीं 11वां ही है ना, 5 हाँ गाइस, 11वां राउंड ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नहीं ये 10वां राउंड है यार, 5 4 9 होते ही 10वां राउंड है। ये 10वां राउंड है। सो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी अपनी मैथ ठीक करते हुए, ये 11वां नहीं है, नहीं 12वां है, ये 10वां राउंड है, ठीक है। ये जो राउंड है गाइस वो 10वां है। और यार वो बंदा मेरे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे चला चुका है और मैं भी गाइस उसके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका। तो 2 बार ऐसा हो चुका है कि वो मेरे पाले में चला जाता है, मैं उसके पाले में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पीछे से रश करने की कोशिश करता, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो पीछे होगा, क्योंकि यार ग्लू वॉल्स इतने सारे हैं। सो यहाँ पे नहीं गाइस, यहाँ पे नहीं है वो बंदा। सो यार ये बंदा जो है यहाँ पर नहीं है, इसने मेरे को धोखा दिया गाइस, इसने मेरे को भटका दिया। यहाँ पे ये बंदा नहीं है, ये बंदा देखो सामने की ओर से आ रहा है, ठीक है। सो अभी अपन को यार इस पे बस क्या कहते हैं, सटीक नज़र नहीं, कड़ी नज़र रखनी है गाइस इस पे, कड़ी चावल कड़ी नज़र। सो यहाँ पे अपने को यार बहुत मतलब अच्छे से इस पे नज़र रखनी है, कब ये बाहर निकलेगा और अपन लोग इसे ठोक देंगे। सो यहाँ पे इसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे दिया गाइस, 50 का डैमेज दे दिया इसने मेरे को। सबसे पहले हील कर लेते हैं अपने आप को। सो यहाँ पे मैंने अपने आप को हील कर लिया, रिपेयर किट भी यूज़ कर लिया। और यहाँ पे बंदा रश करने की कोशिश कर रहा है। और भैया क्या होगा, मैं कब से फंस गया। सो भाई मैं इसको मार रहा हूँ, यार मेरे पास तो स्किन ही नहीं है भाई साहब। गाइस यार मेरे पास तो स्किन ही नहीं है, वरना ये बंदा बचा नहीं होता। गाइस मेरे इसके 4 गोली लग गई और ये बंदा नॉक नहीं हुआ, उसकी बस 2 गोली लग गई, मैं नॉक हो चुका। शिट गाइस, यार मैं तो भूल ही गया था कि हमारे पास स्किन ही नहीं है यार। शिट, और यहाँ पे देखो मेरे पास पॉइंट भी नहीं है कि मैं सारी गनें ले सकूँ। शिट गाइस यार, शिट गाइस, शिट शिट शिट। मैं गाइस पे ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं स्किन लगाना भूल गया। शॉटगन में मेरी एक भी स्किन नहीं लगी, मतलब रेंज कैसे क्या, एक्यूरेसी, मतलब एक भी घटिया स्किन नहीं है गाइस, एक घटिया से घटिया स्किन भी नहीं लगा रखी मैंने। शिट। सो यहाँ पे हमारा आखिरकार 11वां राउंड ही स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो फिर से वही सारी जगह पे आ चुका है, ये बंदा फिर से जो है हेडशॉट लगाने की कोशिश करे, लेकिन अपन लोग 4 में नहीं फंसेंगे। इस बार जो है अपन लोग इस साइड से जाएंगे गाइस, अपन लोग जो है इस साइड से रश करने की कोशिश करेंगे। नहीं गाइस उस साइड, मतलब एकदम पीछे से रश करते हैं, ठीक है, एकदम जो है पीछे से रश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लोग आ चुके हैं गाइस पीछे की साइड, और यहाँ पे तो ये बंदा नहीं है। सो आई थिंक ये बंदा जो है उस साइड की, मतलब हमारे साइड की ओर होगा। सो कहाँ है मेरे स्नैक्स, कहाँ है मेरे स्नैक्स। होगा सिंचन का गाना याद आ गया मेरे को। सो आखिरकार ये बंदा है कहाँ है, मेरे को तो कहीं दिख ही नहीं रहा यार, मेरे को कसम से कहीं नहीं दिख रहा, पता कहाँ यार, ये कहाँ है यार। ये मतलब हाइड एंड सीख खेल रहा है यार, मैंने तो बोला बंदा हाइड एंड सीख खेलने के लिए, हाइड एंड सीख अलग वीडियो बना लेते ऐसा होता तो। सो यहाँ पे पता नहीं ये बंदा कर क्या रहा है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बंदा आखिरकार है का, मैं पूरा का पूरा गोल गोल घूम गया, लेकिन मेरे को नहीं मिला। और यहाँ पे देखो ये बंदा पीछे से रश करने की सोच रहा था। तो यहाँ पे बंदा पीछे से रश करने की कोशिश करता है, यहाँ पे अपन लोग ऐसे मारता है और यहाँ बहुत डैमेज पड़ गया। और ये ओ गाइस यार शिट, फिर से इसने मेरे को M1014 से मारा। काश यार हमारे पास स्किन होती। सो आज ये बंदा यहाँ पे ना होता, आज तक तो राउंड खत्म भी हो चुका। गाइस यार ये 6 बार नहीं जीतता है यार। शिट गाइस, काश हमारे पास स्किन होती यार, काश गाइस मैं स्किन लगाता यार। शिट गाइस यार, शिट क्या हो गया गाइस। तो यहाँ पे यार मेरे पास बस एक चारा और है इस मैच में टिके रहने का। सो यहाँ पे मैंने M187 और क्या कहते हैं वुडपैकर फिर से उठा लिया, वही सारी गन्स जो अपन लोगों ने पहले के 4 राउंड में यूज़ किए थे। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ ऊपर की साइड वापस से, ऊपर की साइड जा रहा होगा स्नाइपर चलाने। सो हो सकता है गाइस मैं फिर से जीता। और यार ये क्या हुआ, गलती से मैं जो है वो गलती से, अरे यार चलना, अरे गाइस ये क्या हो रहा है यार, मेरा बंदा यहीं पे आ गया। सो गाइस ये बंदा यहीं पे आ गया, इसने मेरे को 90 का डैमेज दे चुका है। यार ये क्या हो रहा है, शिट शिट शिट। सो आई थिंक ये बंदा मेरे राइट साइड की ओर से आएगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था गाइस, यहाँ पे देखो राइट साइड की ओर से ही आया ये बंदा। सो यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, ग्लोव से अपने आप को कवर किया और इसने मेरे को फंसा दिया। ओ 1 सेकंड बनने के गाइस, इस बंदे ने मेरे को पूरा का पूरा फंसा दिया है यार। शिट, मेरे को ग्लू वॉल फोड़ना पड़ेगा इससे पहले कि जो जोन है वो मेरे पास आ जाए। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल को फोड़ लिया है और ये बंदा यहीं के सो यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पे है। सो अभी अपन को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। ये बंदा यहाँ पे आ गया, सो इसे फोड़ता है और यहाँ पे डैमेज हो रही। ओह नो शिट 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 शिट, क्या होगा शिट। हम हार गए। और इस बेशरम को देखो गाइस, इस बेशरम लड़की को देखो, हारने के बाद भी ऐसी एंट्री ले रही है जैसे कि पता नहीं सारा, मतलब लगातार 7 बार जीत के आई हो। शिट यार, शिट कैसे यार। काश हमारे पास स्किन होती तो आज अपन लोग यहाँ पे डिफेट का नहीं, विन का, विक्ट्री का होता गाइस साइन। सो गाइस यार वीडियो को एंड तक देखने के थैंक यू सो मच यार। हम मिलेंगे आपको अगली चिमकांडी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा रो लूँ गाइस अकेले में। बंद हो जाए, बंद हो गया, खत्म हो गई।